क्या सोनाली, पहचानती हो? पहचान तो रही होगी, जिसको तुम रिजेक्ट की थी हम वही हैं। तुमको पता है जब तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारा हाथ मांगने के लिए गए थे तो तुम मेरा दाढ़ी देख करके हमको को रिजेक्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि तुमको डर लग रहा था कि तुम्हारे पापा खाली हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, और तुम्हारा ब्याह किससे कर दिए हैं? क्लर्क से। अरे कौन क्लर्क? जिसका बाल उड़ गया है ना। तुमसे तो हम बहुत मोहब्बत किए थे स्कूल टाइम से, लेकिन तुम सारा मोहब्बत तो मेरा पानी फेर दी। आज पता है भले मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन देखो साला हम शोरूम खोले हुए अपना। यहाँ एका से एक टीवी रखते हैं, एलईडी है, सब चीज है, पैनल है, सोलर पैनल है, पंखा रखते हैं, ये देखो एसी तक रखते हैं, कूलर है, लुमिनस इंटेंसिटी का सब कुछ है यहाँ पर, टाटा का स्काई रखे हैं। और तुम्हारे पापा पता है, तुम्हारे जब शादी ठीक कर दिए थे ना, तो जो तुम्हारा क्लर्क लौंडा था तिलक देने के लिए ना, तुम्हारे पापा जो आए थे यहाँ पर, सामान हमारे दुकान से खरीद के गए थे। क्या बोले थे तुम्हारे पापा? कि सरकारी नौकरी रहेगा तब ब्याह करेंगे। अरे तुम्हारा क्लर्क से ज्यादा हम अपने दुकान में आदमी रखे हैं, देखो पांच पांच एम्प्लॉय है, एक मैनेजर है हमारे पास, एक ये तो हमारे कस्टमर आए हुए हैं, और ये भाई देखो एक नया एक डब्बा खाली काटने के लिए रखे हैं, एक भाई केवल कार्टून केवल बंद करता है, दूसरा भाई एक केवल निकाल के देता है, पांच पांच एम्प्लॉय रखे हैं। क्या चाहिए था तुमको? हमसे शादी करती ऐसो आराम से तुम रहती, लेकिन तुमको तो नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, गवर्नमेंट जॉब का लॉलीपॉप चूसना था तुमको। है तुम्हारे पापा को क्या पता कौन सा संपत्ति मिल जाता गवर्नमेंट जॉब के नाम पर? अरे यहाँ पर हम सानो सौकस हम कमाते हैं, समझी, सुबह आराम से 10 बजे आते हैं, दुकान का सेटल उठाते हैं और मस्ती से जाते हैं 7 बजे घर पर। और ये जो हमारा जो यहाँ पर लोग वर्कर लोग काम करते हैं, इसको हम वर्कर नहीं बोलते हैं, ये मेरा भाई है, भाई बड़ा इज्जत आसान से हम कमाते हैं खाते हैं। अगर तुम हमारे पास अगर शादी करके आ जाती ना, तो हम तुमको कसम से पलकों पर बिठा के रखते हैं, लेकिन आज तुम हमको झूला झुलवा दी हो, लेकिन तुमको हम भूलेंगे नहीं पल्लवी, समझी। तुम्हारा घर का नाम पल्लवी है, चाहे सोनाली है, कुछ भी रहे, चाहे दिव्या रहे, तुम जो मेरा दिल पर जो खखोर के गई ना हो, वो हम जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। और हम अपना बेटा को आने वाला जनरेशन बतावेंगे कि बेटा प्यार एक से नहीं करना, हजार से करना, क्योंकि ये तुम लोग जैसी जो लड़कियां आती ना है और दिल पर छुरी लग के चली जाती है गवर्नमेंट जॉब के नाम पर, पता है कितना दर्द होता है, इसको तुम समझ नहीं पाओगे, हम बयान नहीं कर सकते इसके बारे में, हम कभी नहीं बयान कर सकते हैं। आओ कभी हमारे दुकान पर, एक एलईडी बल्ब देंगे तुमको अपने घर में लगाने के लिए, जो अपने बेडरूम में लगाओगी ना, उस एलईडी बल्ब के नीचे लिखा रहेगा जुगला कोची युगल युगल, तब तुमको याद आएगा। जब बेड पर सुतोगी ना, तो ऊपर में जो पंखा चलेगा ना, पंखा में बीच में सेंटर में लिखा रहेगा मेरा नाम, रिजेक्ट करके गई थी, करो रिजेक्ट, तुम्हारे पापा तुम्हारे शादी में जितना सामान दिए ना है, अरे वो हमारे दुकान से गया था। और पता है लास्ट तक तुम्हारे पापा हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि बेटा कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, और पता है हम क्या किए? नहीं चाचा, नहीं हो पाएगा।